सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गेमिंग चैनल। और यूपी के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख लिया था, जिसका नाम था जंगल ट्रैप्स। और नाम से आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोगों ने जंगल में जाके कुछ भी नहीं करा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ कुत्ते जो डोडो का पीछा कर रहे हैं अपने अल्फा बीटा और गामा। तो अब हमें अपने डोडो को बचाना है उनसे। तो काफ़ी बड़े तरीके से मैं अपना गेम स्टार्ट कर देता हूँ बिना किसी बकचोदी के। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुढ़ा कैरेक्टर बेकार है। कौन कह रहा माखी चूस चूस की झाड़े की? छोड़ो अब मैं क्या ही बोलूँ, तो अपना गेम स्टार्ट कर देता हूँ इस और आगे का एपिसोड आप लोग देखिए इसी तरीके से। ओके गाइस, तो अपना पांचवा चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है और जिसका मैंने नाम भी नहीं पढ़ा, और उससे पहले वो स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने डोडो को बचा लिया, जैसे आप लोग बताइए पिछले एपिसोड में बचा लिया था। और इसी बात पे डोडो एसएन फार्मा से भाग निकला हमको कुछ बोल के, चॉकलेट खा के भाग निकला वो रसल की। और अभी हम उसका पीछा कर रहे हैं काफ़ी बड़े तरीके से। और अब हम लोग एक गुफा के अंदर आए जिसके बाहर भी जंगल ही है। ओके गाइस, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं इस चीज़ का, तो काफ़ी बड़े तरीके से मैं इसको पिचका देता हूँ। और अब मैं मेरी ज़िंदगी में बस यही रह गया मकड़े पकड़ना। अरे भड़वे, ये तो कैरेक्टर चेंज होते गए मेरे, इतने साल हो गए मेरे को, इतने साल हो गए इस गेम में ऐसे तैसे करवाते, अभी तक मेरे को ये नहीं पता कि कैरेक्टर किससे चेंज होता है। ओके गाइस, तो मैं अपनी आयरन मैन की शक्ति दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, और इस काले नाक को दिखा दूँगा कि असल नाम है मेरा। ओके, जिसके पास GPRS है, और ये गया भड़वा, जिसके पास GPRS है आप लोगों को बता दूँ पहले ही, तो ताऊ बन के पहले मैं वो ले लेता हूँ, वरना ताऊ भड़क जाता है भाई। ताऊ ज़्यादा वो है भाई, गुस्से में आ जाता है ताऊ बहुत जल्दी। ओके गाइस, तो आगे बढ़ता हूँ मैं अपने गेम में, फालतू की बातें नहीं करूँगा मैं आज, क्योंकि आज मैं कसम खा के आऊँ गेम प्ले देने के लिए तगड़ा, जो कि सस्ते में निपटारा करवा दूँगा जिसका मैं। ओके गाइस, काफ़ी बड़े तरीके से मैं आ चुका हूँ, और इसी बात पर मैं तस्वीर उठा लेता हूँ आंटी की, और अपनी HP बढ़ा लेता हूँ साथ के साथ। ओके गाइस, तो एक अकेली मकड़ी अपनी ऐसी तैसी करवा रही है, उसको भी मैं खर्च देता हूँ और उसको अपने साथियों के पास भेज देता हूँ। और इसी बात पे एक और सांप दिखाई दे रहा मुझे, जहाँ पे मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। खर्च देता हूँ इस सांप को, मैंने बिरयानी बना दी मैंने उसकी भी। और इसी बात पे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ताओ बन के मेरे को यहाँ से जंप करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर आ चुका है ये पहाड़। ओके गाइस, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब यहाँ पर इस तितली को भी पकड़ना होगा, तो मैं असल बन जाता हूँ। ओके गाइस, तो तितली को मैं पकड़ना तो चाह रहा हूँ, लेकिन आ ही नहीं लिया वो, क्या ही तो बोलूँ। ओके गाइस, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताने वाला था, मतलब बताने वाला हूँ कि मैंने ये एपिसोड पहले ही शूट कर लिया था, लेकिन फिर से मेरे बवासीर मोबाइल के कुछ भी कारण है, जिसकी वजह से मुझे एपिसोड डिलीट करने पड़ते अपने शूट हुए। तो मैं आप लोगों को तसल्ली में बताऊँगा किसी दिन वो, और कुछ तो आपको पता भी है। तो फटाफट मैं पहले गेम प्ले देता हूँ। और इस गुफा के अंदर आके मेरे को मेरे हाथ में एक लालटेन आ चुका है, जो कि काफ़ी बड़े तरीके से मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, यहीं डिलीवरी देके गया बिल्कुल मेरे पास ही वो। काफ़ी बड़े तरीके से मैंने ये पत्थर भी पार कर दिया, जो कि एक डेंजरस प्लेस है, और रसल कि अपने आप ही खर्च हो रहा है वहाँ पर। ओके, तो मैं बुढ़ता हूँ बन के इसको पहले मकड़ी पचकाता हूँ, मोटा तो अपने आप आ जाएगा। ओके, जितने मोटा आएगा इतने मैं सारी मकड़ियों को पिचका दूँगा, तेल निकाल दूँ इनका। अरे भाई, ये मोटे में लगता है मेरे को ही पार करवाना पड़ेगा, ये मोटे की बस की नहीं है। ओके गाइस, तो मैंने इसको एक झटके में पार करवा दिया। ओके गाइस, तो वहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, जो कि बुढ़िया की तस्वीर लिए बैठी है, तो मैं झपट्टा मारना चाहता हूँ इसके ऊपर। ओके गाइस, तो मैंने झपट्टा मार लिया है कुत्ते की तरह, और तस्वीर हासिल कर लिया आखिरकार। ओके, तो अब मेरे को रसल बजाना चाहिए, और यहाँ से अपने आयरन मैन की शक्ति दिखानी चाहिए थी, मतलब दिखानी चाहिए अभी भी, जो कि ये काफ़ी बढ़िया है, 4 घंटे में एक बीम निकलती है। ओके गाइस, तो 2 बीम में इसका काम कर दिया मैंने, और 2 बीम इस 3 बीम में इसका काम कर दिया। ओके, तो इसको भी लपेट लेता हूँ मैं साथ ही साथ, क्योंकि मैं हूँ लालची। और एक गुफा हमें और दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हम घुस चुके हैं, और डोडो है कि यहाँ से भी निकल लिया है सन फ्रामोस हरामखोर। ओके गाइस, तो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका है, और कहता है कि भागना है घोसड़ी के, दोबारा दिख मत जी, नहीं तो बता दूँ मैं कौन हूँ, कार्ल बुढ़ा नाम है मेरा। और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि चटनी बना दूँ तेरे जैसे कि। ओके गाइस, तो इतना कहते ही बस भाई मैं अपने काम पे लग गया, और रसल की चुपचाप बुढ़े की गाली सुन रहा है, कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि पता है ताऊ गांडे लाल कर देगा एक झटके में इसकी। ओके, तो काफ़ी बड़े तरीके से मैं ताऊ बन जाता हूँ अब, ताऊ से धक्का लगवाता हूँ मैं। ओके गाइस, तो हम दोनों ने मिलकर धक्का लगाया इस डब्बे को, मतलब। ओके, और मैं ताऊ बन के इसके ऊपर कूदने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आंटी की तस्वीर भी लानी होती है, क्योंकि उसके बिना ताऊ चार्ज नहीं होता। ओके, तो अगर ताऊ ज़्यादा भावना, ताऊ क्या ही तो मैं बोल रहा हूँ,
करता हूँ, ज़्यादा भावना खाए तो फटाफट मैं तस्वीर उठा के निकलना चाहूँगा यहाँ से। और एक और गुफा में देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ पे आके अपना दम दिखाने वाला हूँ मोटर असल से। और मोटर असल ने अपनी शक्ति दिखा दी यहाँ पे आके और काफ़ी फल गिरा दिए पेड़ से। और मेरी एचपी पहले से फुल है, तो मैं खामा खा उसको लेके भागता हूँ आगे। यहाँ पे भी मैं अपनी शक्ति दिखाना चाहूँगा क्योंकि मेरे अंदर बहुत घमंड है, और इसी बात पर मैं चलता हूँ आगे। और काफ़ी ज़्यादा पोक्यूपाइन है, तो मैं अपने अब इस बुड्ढे की शक्ति दिखाता हूँ, इनको खर्च दूँगा। ओके गाइस, तो एक को तो मैंने खर्च दिया, अब बाकी के दो बच्चे हैं इनको भी मैं एक साथ खर्च दूँगा। भगा दिया मैंने इनको डरा के, और अब मैं अपना वो काम करूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इनको पिचकाने का, क्योंकि यही एक काम है जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरा। और तितली यहाँ से उड़ने की फिराक में है, तो मैंने लपेट में ले लिया इसको भी। ओपी, आप लोगों को पता ही है कि मैं ओपी गेम प्ले देता हूँ, तो फटाफट लाइक कर दो। और आप लोगों को पता है मैं एक भी बार आउट तो होता ही नहीं हूँ गेम में, और ये भड़वा मरे जा रहा। अब इतना बढ़िया गेम प्ले देता हूँ ना कभी कभार, तो मैं ले। अब क्या हो गया भाई, इसको जा क्यों नहीं रहा? ओके गाइस, तो आ गया मैं फाइनली। अल्ले बोसड़ी का पत्थर, मादर जात। ओ कूद कूद कूद, बहुत ही बढ़िया तरीके से मार चुका हूँ, और अपनी एचपी बढ़ाने वाला हूँ मैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा चाहे ना आए चाहे ना आए, इसको मेरे को हिलाना पड़ेगा भाई, ये और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। ले यार लोलू नाथ। ओके गाइस, तो मैं आया और ये मैं चला, और ये मैं नॉन स्टॉप फिर से चला। तो यहाँ पे वो एक मतलब ये एक एरिया था जहाँ पे मैं आके अटक गया था पिछले एपिसोड में गाइस, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को टाइम लग गया था समझने में। तो अब ये ताऊ सोच लेना ज़्यादा, तो मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा अपने गेम प्ले में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड वो है एक्शन जो इसको हमें करना है, तो काफ़ी बड़े तरीके से पहले मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे अपनी वो शक्तियाँ दिखानी है जो कि असल में मेरे पास है ही नहीं, फालतू का जो है एक, जो कि मुझे कंप्लीट करना है। चमकादड़ को खर्च देना इतने में दूसरा ना आ जाए, ताऊ बन जाना इतनी देर में मुझे, भोसड़ी का ताऊ। ओके, तो यहाँ से मैं देखता हूँ इनको खर्च दे देता हूँ मतलब इतनी दूर से, और चमकादड़ को भगाना। अरे यार ये बुढ़ा है ना, किसी काम का नहीं है, हर बार की तरह मैं यहाँ फंस जाता हूँ, इतनी देर में तो बाकी के पतंग आ जाते हैं उल्टा। ओके गाइस, तो उससे आने के पहले मैं भाग लेना चाहूँ यहाँ से, ओपी काफ़ी बड़े तरीके से। तो अब ताऊ बन के मैं धक्का लगाने वाला हूँ। अरे यार कैंसर कहीं का। ओके गाइस, तो मैंने धक्का लगा दिया ताऊ बन के, ओपी। तो अब मैं ऊपर आ सकता हूँ, क्योंकि ऊपर आके मुझे उस सांप को भी चमकाना है थोड़ा सा तेल पानी के साथ। ओके गाइस, तो मैं लगता है अरे भड़वा बच गया भाई से। तो अब मैं ताऊ बन के इसको डंडा दूंगा, तभी ये ऊपर आ पाएगा। ओके गाइस, तो मैंने डंडा दे दिया ज़बरदस्ती जब जाके ऊपर आया, और अब मैं आके इसको अपनी शक्ति दिखाता हूँ, क्या आयरन मैन से मैंने क्या भीख मांगा था। ओपी, यहाँ पे अपनी एचपी बढ़ाने का टाइम है मेरे पास, जो कि मोटा भाव खा रहा। ओके गाइस, तो हमें इस ताऊ का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे भी आके, मोटा किसी काम का नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी बात पे गाली सुनी थी। ओके, तो ये अंधेरे में भी दादागिरी दिखा रहे हैं। ओके, मैं ताऊ बन जाता हूँ भाई, रोशनी तो ताऊ के हाथ में है, तो ताऊ लेके फ़ायदा है मेरा यहाँ पे। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लंबा जाने वाला है मेरे ख्याल से। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ फाइनली उजाले में, एक बूंद उजाला। ओके गाइस, तो मुझे जाना कहाँ है? खैर ना, मुझे यहाँ बढ़ जाना चाहिए। ओके गाइस, तो मैंने इतने दूर तक आया नहीं था, मैं बता दूँ आप लोगों को एक बात और, कि मैं इतने दूर तक आ नहीं पाया था, मैं वहीं तक फंस गया था जहाँ से मैंने वो चमकादड़ वाला दिखाया आप लोगों को, चमकादड़ का मतलब क्या ही दिखाया। ओके ओके गाइस, तो पत्थर वत्थर गिरने लग गया, और इसी बात में दुबक जाऊँगा। कूद के बच नहीं सकता क्या? ओके गाइस, तो बुढ़ा तो भाग लिया, और मोटा ओपी भाई साहब। ये बेंटन में भी एक ऐसे सीन हुआ था, अगला आप लोगों को याद हो, और आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो जो कि मेरे को पता नहीं देखते, तो आप लोगों को पता ही है। और ये बहन का टका भाग रहा जान बचा के, इसकी बहन की टैट। रुक जा बेटे, देख लूँगा तेरे को, तो चल कोई नहीं। ओके गाइस, तो पहले रसल बन के मैं दादागिरी दिखाऊँ, थोड़ी बिरयानी बनाऊँ इसकी भी। सांप आजकल बहुत मिल रहे भाई इस गेम में, गेम में तो हमको एक भी नहीं मिला था मतलब मूवी में। अब वो मेंढक आ गया अपने ऐसे तैसे करवाने, छोड़ो ना, एक तस्वीर के ऊपर मैं क्या मेंढक से दुश्मनी मोल लूँ, छोटे मोटे जानवरों से मैं दुश्मनी मोल नहीं लेता। ओके, इसी बात में मैंने अपनी एचपी भी फुल कर लिया, और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा।
बिना किसी की इजाज़त लिए। ओके तो आगे बढ़ो भाई, ताव बन के आगे बढ़ते हैं, मोटा किसी काम का नहीं है। ओके भाई दुबकते हैं, जल्दी दुबक ले। ओ भाई काफ़ी बड़े तरीके से मैं दुबक लिया और अब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गेम हार्ड होता जा रहा है जैसे जैसे अब हम इसके लेवल पार कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़े तरीके से मेरे को मकड़े पचकाने यहाँ पे। अरे यार कभी कभी तो मेरे को पता नहीं चलता ना जब करेक्टर मेरे कौन सा है, तो मेरे को बहुत वो आता है। ओके गाइस तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर से असल बन के। ओके काफ़ी बड़े तरीके से, और यहाँ पे लिखा हुआ 0 जो कि मुझे लगता नहीं होने वाला कुछ। कीप आउट लिखा है यहाँ पे, करना क्या है इसको, खर्च दूँ क्या अपनी शक्ति उसे बढ़वा है ये किसी काम करनी है। मैं जान गया हूँ ये सब चूतिया बनाने का धंधा है जो कि मैं फंसने वाला नहीं हूँ इनके चक्कर में, तो आगे बढ़ जाता हूँ मैं। और वो बैठा वो कुत्ता, ओके गाइस तो बुल्डोग वो बैठा है जिसको मैं भी खर्च देने वाला हूँ ऊपर जाके। अरे यार अंग्रेज चढ़ गया था अच्छा खासा, हाँ इस पर भी नहीं चढ़ पाएंगे अब, बहुत बढ़िया। यहाँ से चढ़ जाऊँ क्या, ना चूतिया है ये, फंस जाऊँगा मैं इसमें, इसको लगता है मैं फंस जाऊँगा और मैं फंस गया। इस कुत्ते को नीचे कैसे उतारूँ अब, इस कुत्ते को फंसाना पड़ेगा अब मेरे को इसमें। क्या बकचोदी है यार, अरे भाई क्या ही करना पड़ेगा, ताऊ को धक्का नहीं मार सकता क्या यहाँ से, और असल बन के धक्का मार दूँ उसको यहाँ से। हर बार मैं कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ पता नहीं क्यों। HP भी फुल है, ओके गाइस तो मैं चढ़ गया ऊपर फाइनली। और ये मैंने एक झटका दिया, और ये मैंने दूसरा झटका दिया, और ये मैंने तीसरा झटका दिया, और मैंने कर दिया कंप्लीट। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मकोड़े इकट्ठा हो रहे हैं। ओके गाइस तो ये कुछ दूसरे किस्म के थे, ठीक है इनसे पंगा नहीं लेंगे, हम अपने मकड़ों के साथ खेलते हैं। ओके गाइस तो इसको यहाँ से जाने का, ओ भाई ये तो कुछ और ही सांग है भाई, थोड़ा यहाँ से बच के निकलते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है। अरे यार देख एक मरता तो दूसरा भी मरने आएगा, ये चीज़ गलत लगती है मेरे को। करना क्या भाई, ओके गैस तो शायद मुझे यहाँ से चढ़ के कोशिश करनी चाहिए। चढ़ जा माँ धर जा चढ़ेगा। ओके गैस तो चढ़ चुका बुढ़ा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने ये मारा जंप, और ये आखिरकार मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। ओके गैस तो मैं अब भागना चाहूँगा जान बचा के, अपनी गाड़ बचा के, क्योंकि भाई थक चुका हूँ मैं यहाँ पे धक्के खाते हुए। ओके गैस तो हम लोग एक बिल से बाहर आ गए हैं, और यहाँ हमें डोडो छुप के देख रहा है मादर जात एहसान फरामोश, और हमें इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ गया इसकी वजह से। और ये मोटा मोटा गंडवा आके उसको चॉकलेट खिला रहा है मोटी गांडे का। ओके गैस तो ये चॉकलेट खा के दोगला हमारी साइड हो गया, और काफ़ी बड़े जैसे कि मूवी में हुआ था, काफ़ी बड़े तरीके से बिल्कुल सेम वैसा ही सीन जो मूवी में हुआ था, लेकिन इससे पहले वाली बकचोदी नहीं होती मूवी में। और ये कह रहा है कि काबिन मेरा दोस्त बन गया, और ये कह रहा मालूम है तेरे बाप को मस्सी का, मैंने पहले ये सब। ओके गैस और इतना कहते ही अपना मिशन